आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार। मैं आपका इस वीडियो को चुनने के लिए धन्यवाद करता हूं। आप हमारी यह वीडियो बिना स्किप किए पूरी जरूर देखिएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों बादशाह अकबर इस मंदिर में नंगे पांव आए थे। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज हम आपको घुमाने के लिए लेकर आए हैं और साथ ही साथ आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं माँ ज्वाला जी के मंदिर के। अगर आपने माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शन नहीं किए हैं तो कृपया करके पिछली वीडियो में जाकर उनके भी दर्शन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए माँ ज्वाला जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ से आप माता ज्वाला जी के मंदिर के लिए फूल, नारियल एवं हलवे का प्रसाद भी ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोने कोने पर चमत्कार होते रहते हैं। इनमें से कई चमत्कार ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझा पाना विज्ञान की सीमाओं से परे है। ऐसा ही एक मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी स्थान पर बना हुआ है, जिसको दुनिया ज्वाला जी के मंदिर के नाम से जानती है। यह मंदिर इसीलिए भी अनूठा है क्योंकि इस मंदिर में किसी देवी या मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जल रही हजारों सालों पुरानी 9 ज्योतों की पूजा होती है। भक्त इसको देवी का चमत्कार ही मानते हैं। इतिहास के अनुसार माँ ज्वाला जी के मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। वह माता के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन माता ने उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन दिए और इस स्थान पर मंदिर बनवाने के लिए कहा। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और इस स्थान की खोज करने के लिए कहा। जब सैनिक इस स्थान की खोज कर लिए, फिर भूमिचंद ने इस जगह पर माता के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। उन्होंने 3 जगह पर सोने की कलश और गुंबद की भेंट की थी, जिनमें से एक अमृतसर के हरिमंदिर साहिब में लगा हुआ है, एक माँ ज्वाला जी के मंदिर में लगा है और एक शिव जी के मंदिर में लगा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव भी एक बार यहाँ पर माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए आए थे। मंदिर में नेपाल के राजा द्वारा भेंट किया हुआ एक घंटा भी लगा हुआ है। कहा जाता है कि माता के बहुत बड़े भक्त यानी ध्यानु भक्त एक बार 1000 भक्तों का काफिला लेकर माता के दर्शनों के लिए आ रहे थे। जब यह काफिला दिल्ली से गुजरा तो दिल्ली के सैनिकों यानी अकबर के सैनिकों ने उन्हें रोका और अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने ध्यानु भक्त से पूछा कि तुम इतना बड़ा काफिला लेकर कहाँ जा रहे हो? तो ध्यानु भक्त ने जवाब देते हुए कहा कि वह सारे माँ ज्वाला जी के भक्त हैं और वह उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अकबर ने उसे नीचा दिखाने के लिए उससे कहा कि तुम्हारी माँ क्या क्या कर सकती है। तब ध्यानु भक्त ने कहा कि मेरी माई सर्वशक्तिमान है। वह दुनिया का पालन करने वाली हैं और वह कुछ भी कर सकती हैं। अकबर ने उसकी बात को परखने के लिए कहा कि हम तुम्हारे घोड़े का सर काट देते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी माई उस सर को जोड़ सकती हैं या नहीं। ध्यानु भक्त को अपनी माई पर पूरा विश्वास था। उसने अकबर से एक ही विनती की कि उसके घोड़े के सर और धड़ को किसी सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखा जाए और उससे कोई भी मरहम या पट्टी ना की जाए।
उसके बाद ध्यानु भक्त माँ ज्वाला जी के मंदिर में पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने सारे भक्तों के साथ रात को जागरण किया और जब सुबह आरती हुई तब ध्यानु भक्त ने माँ से प्रार्थना की कि माँ तुम तो सबको जानती ही हो, तो कृपा करके मुझे दर्शन दो। पर माँ ने उसे दर्शन ना दिए। ध्यानु भक्त ने इस बात से बहुत दुखी हुए। फिर उसने अपनी ही तलवार से अपना सर काट के माँ को अर्पण कर दिया। इस बात से माँ इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने साक्षात उसे अपने दर्शन दिए और उसका सर साथ ही साथ उसके घोड़े का सर जो दिल्ली में रखा हुआ था उसे धड़ से जोड़ दिया। यह देखकर अकबर बहुत हैरान हुआ। वह दिन रात बेचैन रहने लगा और माता के दर्शनों के लिए तड़पने लगा। एक दिन वह अपनी सेना के साथ अपने कंधे पर सोने का छत्र लेकर नंगी पांव माता जी के दर्शन के लिए चल पड़ा। मंदिर पर पहुंचने के बाद अकबर के मन में एक और बार शंका आ गई, तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि ये जो जोते जल रही हैं इनके ऊपर लोहे की प्लेटें रख दो। तो सैनिकों ने वैसा ही किया और लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटें उन जोतों के ऊपर रख दी। पर एक ब्लास्ट के साथ वह सारी प्लेटें फट गई और जोते फिर से वैसी ही चलने लगी। अकबर ने अपने सैनिकों को फिर आदेश दिया और कहा कि यह जो पानी बह रहा है इसका मुख मंदिर की ओर मोड़ दो। तो सैनिकों ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में मंदिर का सारा प्रांगण पानी से भर गया और फिर भी जो जोते थी वैसे ही जलती रही। अकबर के दरबारियों ने उससे कहा कि वह माता से अपनी गलती मान ले। तो अकबर ने माता के आगे अपना शीश झुकाया और उससे क्षमा मांगी और वह छत्र जो दिल्ली से लाया था उसे भी माता के आगे भेंट कर दिया। पर अभी भी माँ अकबर से बहुत नाराज थी। जो अकबर ने सोने का छत्र माता को भेंट किया था वह नीचे गिर गया और एक अज्ञात धातु में बदल गया। आप मानेंगी नहीं कि वह छत्र आज भी माता के मंदिर में मौजूद है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।